हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक केवाँच की सब्ज़ी, जो मैं आज फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ। देखिए, ये केवाँच है, मैंने इसको देखा भी फर्स्ट टाइम है। आई डोंट नो ये कैसा बनेगा, पर आइए हम लोग ट्राई करते हैं। अभी हम लोग इसको बॉईल करेंगे, उसके बाद जो है हम इसको बनाएंगे। हम लोगों ने इधर थोड़ा सा चावल जो है भिगो के रखा हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, ये चावल है, इसको हम लोग पीस के फिर इसको हम लोग बनाएंगे। मैं ये कैसा बनता है ये मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। देखिए गाइस, हम लोगों ने इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद ही जो है ये कुछ इस तरह का हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें ये जो है थोड़ी थोड़ी लाइनिंग दिख रही है, इसका मतलब जो है ये बॉइल्ड हो चुका है। हमें इसको ज़्यादा बॉइल्ड नहीं करना है, क्योंकि ये बाद में सब्जी के साथ भी पकेगा जब हम लोग इसकी सब्जी बनाएंगे। इसको बॉइल दिखाते आपको, इसको जो है ऐसे कुछ इस तरह से छीलेंगे। देखिए ये जो जैसे हम लोग सेम वगैरह छीलते हैं, लेकिन सेम में थोड़ा थोड़ा साइड से छीलते हैं, इसको पूरा छीलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बाद में इसकी वीडियो बताती हूँ। छीलने के बाद ये ऐसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो गया छीलने के बाद। और हमने इधर इस साइड कढ़ाई रख रखा है, ये हमारे कढ़ाई में तेल डाल दिया है। और ये जो कढ़ाई जो है गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे मेथी के दाने डालेंगे हम लोग। इसको थोड़ा हम लोग क्रश करके डालेंगे। ये मेथी डाल दिया मैंने, हम थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे और हल्का डालेगा थोड़ा सा जीरा, ये भी हम लोग क्रश करके डालेंगे। और इसके बाद जो है इसको हम लोग थोड़ा फ्राई करेंगे, हल्का शैलो फ्राई करेंगे। उसके बाद जो हम लोग इसके अंदर मसाला डालेंगे, ये पहले इसको फ्राई करते हैं। देखिए हमने जो है इसको कढ़ाई में डाल दिया है, अभी हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का इसको ब्राउन होने देंगे तक, कलर चेंज होगा, ठीक है, ताकि जो भी हमने इसको बॉईल किया था जो भी इसके अंदर पानी जो होगा वो इसके अंदर से निकल जाएगा। हमने इसमें डाल दिया ये हल्दी, थोड़ा इसके अंदर जाएगा। ये जो हमने चावल भिगो के रखा हुआ था इसको हम लोगों ने पीस लिया है। चावल है और हरी मिर्च, और इसके साथ ऐड हुआ है लहसुन, और हम लोगों ने साबुत धनिया इसमें पीस के डाला हुआ है। और ऊपर से अब हम इसमें डालेंगे हल्दी और धनिया और ये थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये हम डालेंगे। और इसके बाद हम लोग इसको डालेंगे, ये हमारा ये फ्राई हो रहा था उसमें हम इसको मसाले को ऐड कर देंगे। देखिए ये इसके अंदर ऐड हो गया। आप लोगों ने फर्स्ट टाइम शायद देखा होगा कि चावल जो है पीस पीस में डाला जा रहा है, ठीक है। कहते हैं चावल डालने से इसका जो है टेस्ट जो है थोड़ा बढ़ जाता है। अभी हमें और भी चीज़ें इसमें डालेंगे, ये हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग पानी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये बिल्कुल जो है ये कढ़ी की तरह होगा, देखिए जैसे कि हम कढ़ी बनाते हैं उसी टाइप का। और हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना, नहीं तो ये फट जाएगा। देखिए गाइस, ये जो है हमारा बन चुका है। इसकी जो ग्रेवी है जो पहले बहुत ही पतली थी, अभी जो ग्रेवी है काफ़ी थिक हो चुकी है। इसको बनने में आई थिंक 10 मिनट लगे हैं, ठीक है। और आइए अब इसको थोड़ा निकाल के सर्व करते हैं। ये देखिए काफ़ी ये जो है हमारा जो है ग्रेवी थिक हो चुकी है। हम लोग इसको चावल के साथ खाने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बनाए। हम इसको गार्निश भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, इसमें थोड़ा धनिया।